हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम अपने मायके में हैं और खूब मस्ती और खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो मायके में तो फ़िलहाल जिनकी शादी हुई है सबको पता होगा कि सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। बट टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है, कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। बस एक दो दिन और बचे हैं यहाँ पे। कोई नहीं, जितने भी टाइम बचा है हम खूब मस्ती करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर बाद। और देखते हैं आगे आज सारा दिन क्या होता है। तो जो भी रहेगा, होता रहेगा, वो हम अपडेट करते रहेंगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बाहर बच्चों का इतना शोर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा उधम तो तन्नु ही मचा के रखी हुई है सब पे एकदम। देखिएगा, हम छोटी सी क्लिप इसमें ऐड करेंगे, देखिएगा आप कैसे उधम मचा रखा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया है ताकि बाहर से आवाज़ थोड़ी सी अंदर ना आए, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि तन्नु भी बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब आके ही घुल मिल गई सब में। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत दिनों बाद आई। जैसे बच्चों का होता है ना कि बहुत दिन बाद आते हैं, कहीं पर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा होता है कि उन्हें घुलने मिलने में टाइम लगता है। बट तन्नु के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो पहुँचने के बाद मुझसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही खुश हैं, उनको लग रहा है। बट हाँ, दिल को अच्छा लग रहा है कि लाडो मेरी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हैं। बट इन्जॉय के साथ लड़ाई भी कर रही हैं बच्चों के साथ। अभी मैं छोटी सी क्लिप ऐड करूँगी और आप लोग देखिएगा और आप लोग भी इन्जॉय करिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। खोलो तो दरवाज़ा तो खोलो। क्या हुआ, क्या हुआ, लड़ाई क्यों हो रही है, क्या हुआ? बोलो हेलो। हेलो हेलो, बाइक नहीं चल रही तुम्हारी? हाँ। क्या हो गया बाइक में? तो ये बाइक थोड़ी ना है, बाइक नहीं है, ये साइकिल है। इधर देखो। हेलो, कैसे हो? हम ठीक है। भाई अपनी बाइक तो चलाओ, उसमें थोड़ा सा ताकत तो लगाओ। हाँ, नहीं चल रही है। हाँ। तो क्या किया जाए बताओ, नहीं चल रही है तो। बाइक नहीं चल रही है? हाँ। तो ये बाइक थोड़ी ना है, साइकिल है ये। तो यहाँ पे हम मार्केट के लिए निकल रहे थे, मम्मी भाभी भैया सब लोग मार्केट जा रहे थे क्योंकि मम्मी को हमारे लिए बहुत कुछ लेना था। तो हम लोगों ने सोचा अब मार्केट चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं, सबको लगा यहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो सब लोग स्माइल करते हुए स्ट्रेट होके खड़े हो गए। उन लोगों को नहीं पता था कि हम वीडियो बना रहे हैं। फिर बाद में मैंने बोला हेलो, तब लक्ष ने बोला कि हेलो। तो यहाँ पे चलिए अब हम चलते हैं मार्केट और देखते हैं मम्मा क्या क्या चीज़ें लेती हैं हमारे लिए।
और तन्नू के लिए तो अब हम चलते हैं मार्केट, और मार्केट में ही आप लोगों से मिलते हैं। देखते हैं मार्केट में मतलब कैसा है, भीड़ वगैरह कैसी थी। बहुत ज़्यादा रश की जगह पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारे माइंड में अभी भी है कि कोरोना ख़त्म नहीं हो रखा, अभी भी कोरोना है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को माइंड में रख के हमें तभी मार्केटिंग करनी है। तो हम ऐसी ही जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश ना हो। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट, और मार्केट में भी ही मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए अब चलते हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग? और आज हम गए थे मार्केट। हम क्या, मम्मी गई थी, बहुत सारी शॉपिंग की है मेरे लिए और तनु के लिए, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की है। हम सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे, एक एक करके सब चीज़ें दिखाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमें मायके से क्या क्या मिला हुआ है। बट अभी हम हैं अपने मायके में ही, और ये शॉपिंग दो दिन में हुई है, मतलब एक दिन में तनु की शॉपिंग हुई है, दूसरे दिन मेरी शॉपिंग हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी थी तो एक दिन में नहीं हो पाता है। और मेरी माँ को लगता है कि मुझे जितना देती हूँ उतना कम ही रहता है, इसलिए उनको लगता है कि पूरी मार्केट ही उठा के अपनी बेटी को दे दूँ। तो शॉपिंग तो बहुत सारी हुई है, बट अभी मतलब नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जब हम चले जाएंगे अपने घर तो वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला हुआ है। और अभी मुझे एक दिन और यहाँ पे रहना है, मतलब अभी कल रहना और परसों हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और अब मेरा टाइम बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, छुट्टी ख़त्म हो रही है हमारी, यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। और आते टाइम जितनी ही खुशी थी, जाते टाइम उतना ही दुख है, उतना ही गम है, क्योंकि यार होता है ना, माँ के पास से जाने में थोड़ा सा बुरा लगता है। और कोई भी लेडीज़ हो, होता है ना कि मम्मी के पास आने मायका मायका ही होता है, मायका आने के बाद कहीं भी जाने का मन नहीं होता है, होता है। यहाँ से जाने के बाद मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, अपनी पूरी फैमिली। ये इंसान मतलब हर लड़की के साथ ये होता होगा कि जब वो मायके आती होंगी तो उनको इतनी खुशी रहती होगी कि अपनी मम्मा से मिलना, पूरी फैमिली से मिलना है, फिर जाते टाइम तो भाई सबको दुख होता है। और किसके किसके साथ ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आते हैं ना तो बहुत खुश रहते हैं, और जाते टाइम बहुत ज़्यादा मतलब होता है, इमोशनल हो जाता है इंसान, क्योंकि माँ भैया भाभी बच्चे बहुत, मैं सबको बहुत मिस करने वाली हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। बट क्या किया जाए, मायका मायका ही होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इमोशनल नहीं होते हैं। और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो चलिए हम छोटी सी क्लिप आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, कि मम्मा ने मेरे लिए क्या क्या लिया है। तो चलिए छोटी सी शॉपिंग की क्लिप हम डाल देते हैं, और क्या क्या लिया चीज़ें को तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए फिर छोटी सी क्लिप आप लोग देख लीजिए कि मम्मा मेरे लिए क्या क्या लेके आई हैं, माँ मेरे लिए क्या क्या लेके आई हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान जो मम्मी मेरे लिए लेके आई हुई हैं। इसमें मेरे लिए साड़ियाँ, कुर्ती, सूट, और तनु के लिए ऊलन कपड़े, नॉर्मल कपड़े, उनके लिए जूती, मेरे लिए जूती, और कुछ खाने का सामान है जो कि, और हाथ के मेरे लिए कड़े, चूड़ी, ये सब चीज़ें भी लेके आई हुई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये सारी चीज़ें मेरी पसंद की हैं, बस बिल मम्मी ने पे कर रखा है, और सारी चीज़ें मैंने खुद से पसंद की हुई है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।